Alright, so many of you were requesting me to make video on the difference between section 9 and section 22. Okay, so section 9 or section 22 kya hai? So sabse pehle main aapko bata dun, section jo 9 hai na, wo hi section 22 hai. यानी कि restitution of conjugal rights ही section 22 है, लेकिन जो section 22 है वो special marriage act 1955 के तहत है, ओके, और जो section 9 है वो हिंदू marriage है, यानी कि हिंदुओं के लिए है, और जो special marriage है उसमें क्या फर्क है? Special marriage में उन पे apply होती है, जैसे कि suppose intercaste marriage की है किसी ने, suppose हिंदू boy है, मुस्लिम girl है, तो अगर according to वैसे आपकी शादी हुई है, यानी कि आपने मुस्लिम हिंदू करके शादी किया, तब हम section 22 डालते हैं restitution of conjugal right. जैसा कि इसका example है हमारे पास सैफ अली खान और करीना का, जब इन्होंने marriage की थी तो वो special marriage act के तहत ही है. अब suppose करीना कपूर कल को कहीं चले जाते हैं या फिर जो भी है, तो सैफ अली खान साहब section 22 के तहत ही अपना मुकदमा दायर करेंगे. okay, so I hope it is clear. वैसे कोई same है, यानी कि सारा same है, कोई दिक्कत नहीं है, जो procedure वहाँ follow किया जाता है वही procedure यहाँ follow किया जाता है, बस फर्क ये है वो हिंदू कम्युनिटी के लिए है और ये स्पेशल मैरिज, यानी कि आपकी जो मैरिज है वो स्पेशल है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो नो नीड टू अफ्रेड फ्रॉम सेक्शन 22. ओके, बाय.